मैं हरियाणा की फर्स्ट फीमेल ड्रोन पायलट हूँ। हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है निशा सोलंकी। इस ड्रोन की मदद से अब किसानों को कीटनाशकों का छिड़काव करने के कारण होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से बचाया जा सकेगा। निशा सोलंकी अपने काम से किसानों के लिए खेती बाड़ी को आसान बना रही हैं। शुरू से ही उनके पिता की ख्वाहिश थी कि बेटी एग्रीकल्चर में भविष्य बनाए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। साल 2019 में एक इवेंट में उन्होंने पहली बार खेती में ड्रोन के प्रयोग को देखा। खेती में इस तरह का आधुनिक प्रयोग उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने ड्रोन पायलट बनने का फैसला कर लिया। मैंने 2022 में ड्रोन डीजीसी सर्टिफाइड ड्रोन पायलट का कोर्स मैंने किया। इसके बाद मैंने ड्रोन इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया। निशा चाहती थी कि कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे पारंपरिक खेती को तकनीक से जोड़कर किसानों को उन्नत बनाया जा सके। अभी फिलहाल हम महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ICR का एक ड्रोन प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर ड्रोन प्रोजेक्ट, उसी में हम लोग काम करते हैं, जो कि फार्मर फील्ड पे हमें ड्रोन के डेमोन्स्ट्रेशन करने होते हैं। हम फार्मर फील्ड पे ड्रोन के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसके दौरान हमें फार्मर्स को हेल्थ इश्यूज जो आते हैं स्प्रेइंग के दौरान, उससे बचाया जा सकता है। ड्रोन के स्प्रे के दौरान हम पानी की भी बचत करते हैं। जैसे कि हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो लगभग 10 लीटर में एक एकड़ कवर किया जाता है। वहीं अगर हम परंपरागत खेती जो करते हैं स्प्रे करते हैं, उससे हम लगभग 150 से 200 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्रोन से जब हम स्प्रे करते हैं तो पानी के साथ साथ टाइम भी बचता है, क्योंकि एक एकड़ को कवर करने के लिए लगभग 6 से 7 मिनट लिया जाता है ड्रोन द्वारा। और जो सबसे बड़ा इशू है फार्म वर्कर्स की हेल्थ का, वो भी इससे कम किया जा सकता है। खेती में तकनीक के इस्तेमाल से देश में नई क्रांति लाई जा सकती है और निशा जैसे युवाओं की सोच और उनकी मेहनत ही तो है इसकी बुनियाद।